अनुसुईया के आश्रम पर का भैया। अरे चले दे ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि अति के आश्रम करके आज अनसुईया मैया के दरवाजे पर जाके अलख जगायो है और का भयो है। इधर में अलख निरंजन करके जो भिक्षा मांगी है तो उसी समय सती अनसुईया और थार में मेवा मिष्ठान धर करके और आ जाती हैं दरवाजे पर। तो क्या हुआ है कहने लगी हैं कि लीजिए नाथ। तो उसी समय देख करके थाल को और भगवान क्या बोले हैं, लालची साधु नहीं झोली कभी भरते नहीं, चौका के बाहर संत भोजन कभी करते हैं नहीं। हम लालची साधु नहीं है और सुनो, और भोजन चौका के बाहर हम कभी नहीं करते हैं। और क्या बोले हैं कि साधुओं को भोजन कराने को जो तेरे मन में है लगन, और भोजन खिलाओ मैया हमें हो करके तू बिल्कुल लगन। यदि हमें भोजन खिलाने की तेरे दिल में है तो हमें आप बिल्कुल नंगे बदन भोजन हमें खिलाओ तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकते हैं। बंधु जो इतनी बात सुनी है तो उसी समय क्या हुआ, कहने लगी है संत हो कर ना तो तुम बात करो बेढंगी है, अरे पतिव्रता दूजे पुरुष संग हो न सकती नंगी है। तुम संत होकर के मुझसे ऐसी बातें करते हो और कभी भी जो पतिव्रता स्त्री होगी दूसरे पति के समस्त नंगी कभी नहीं हो सकती है। कि पतिव्रता तू नारी है मुख मोड़ी इस संसार से, जाते हैं हम तीनों प्राणी भूखे तुम्हारे द्वार से। हम अभी तुम्हारे द्वारे से जा रहे और कहा भयो, अरे चल दीने तीनों तब उधारी, अरे चल दीने तीनों तब उधारी, चल दीने तीनों तब उधारी। घर में बंधु आज अनसुईया मैया ने जो तीनों साधुओं को जाता लगा है तो क्या हुआ, ठहरो स्वामी संत जी सुनो मेरे प्रसंग, और भोजन अभी खिलावती सो हो कर नंगे अंग। ठहरिए मैं अभी तुम्हें भोजन खिलाती हूँ। तो उधर बंधु लौट आते हैं तीनों ही और क्या हुआ, अब जो मैया अनसुईया ने अब अपने पति परमेश्वर से लौ लगाई और क्या हुआ है कि पति परमेश्वर तेरे सुनो और मो दुखिया की स्वामी देवा, और भूखे संत चले घर से मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा, मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा। अरे पति परमेश्वर तेरे सुनो, हाय वो दुखिया की स्वामी देवा, और भूखे संत चले घर से मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा, मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा। पतिव्रता धर्म है सचो तो तीनों बन जा मैं ललना, है तीनों बन जा मैं ललना।
सच्चा है तो ये जो संत कहते हैं और ये तीनों ही ललना बन जाए तो एकदम से क्या किया, अरे भरी खोचे गजल की मारी, खोच भर के जो जल की मारी है सोई काब है। और अरे बना ले तीनों ही ललना छे छे महीना के बना ले, बना ले तीनों ही ललना छे छे महीना के, ओ छे छे महीना के अली हा छे छे महीना के बना ले तीनों ही। आज तीनों ही को मैया अनसुईया ने छह छह महीना के बालक बना करके और भोजन खिलाने लगी गोदी में बिठाल कर, इधर भोजन खिला करके और तीनों को एक ही पलना में सुला देती हैं। इधर में नारद मुनि उस दृश्य को देख करके बड़े ही हंस रहे हैं और अब तो तीनों देवी आपस में बतराने लगी। जब तीनों के पति नहीं पहुंचे उनके पास में तो का भयो,